गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिकर एसोसिएशन की सरकार से रियायत की मांग को लेकर कहा कि इनका पक्ष कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिकर एसोसिएशन के साथ बैठक की और बताया कि एसोसिएशन ने मांग की है कि 2 महीने शराब दुकान बंद रहने से उनको नुकसान हुआ है, इसीलिए वे सरकार से रियायत चाहते हैं। शराब कारोबारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से शराब बिक्री कम हुई है, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शराब कारोबारियों का पक्ष कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, उसके बाद ही छूट देने का कोई निर्णय लिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से लगभग 2 मास उनकी दुकानें उनकी अपनी मांग के हमको रियायत सरकार से मिले, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। ज्ञापन आईडी नीचे करो साधना, विभाग के अधिकारी मौजूद, अब इस पर आज कैबिनेट के बाद विचार करते हैं। अपना सबमिशन दिया है सरकार को और सरकार ने उस पर अपने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा है और अपने अधिकारियों की बैठक में करके उसको बताएंगे कि कैसे हमारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बस इतनी सी ही बात, कोई दबाव नहीं है। बात इतनी है कि जो इसकी वजह से सारा कर्फ्यू चल रहा है वो चल रहा है, उसकी वजह से सेल नहीं है दुकानों पर और सरकार अपना रेवेन्यू पूरा चाहती है, तो उसकी वजह से हमने कहा है कि ये संभव नहीं है। इतनी सी बात हमने सरकार के सामने रखी है, सरकार उस पर विचार करके हमारे को। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।